इसे देखिए, ये है टेंसेग्रिटी स्ट्रक्चर। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसे देखने पर ऐसा लग रहा है कि इस पे ग्रेविटी का कोई असर ही नहीं हो रहा, लेकिन ये लगातार ऐसे ही तनाव में होने के कारण बैलेंस हो पाता है। और अगर हम इस पर कोई ऑब्जेक्ट भी रख देते हैं तो भी इसे बैलेंस कर सकता है, लेकिन शर्त बस इतनी है कि उस ऑब्जेक्ट का वजन धागे की क्षमता से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और आप लोगों को इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमें फॉलो जरूर करें।